एक छोटे से गांव में एक छात्र राजू रहता था। राजू को पढ़ाई में बहुत रुचि थी और उसका दिन बड़ा आदमी बनेगा। वह हमेशा अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करता और अपने पढ़ाई में अग्रणी रहता था। एक दिन राजू को अपने दादा ने एक अद्भुत तुनतुनी पक्षी के बारे में सुनाया। इस पक्षी को देखने के बाद राजू का मन उसे देखने में ही रुक गया। राजू ने अपने दोस्तों के साथ तुनतुनी की खोज में निकला। वह अपने गांव के पास एक छोटे से जंगल में पहुंचा और वहां वह देखा कि एक रंगीन तुनतुनी पेड़ की शाखा पर बैठी हुई थी। तुनतुनी ने राजू को देखते ही उसकी बातचीत में रुचि लेने वाली तरीके से उससे बात करना शुरू किया। राजू हर दिन उस तुनतुनी के साथ अपनी खानपान और दिनचर्या का अनुभव करता था। एक दिन राजू ने तुनतुनी से पूछा, तुम्हें कैसे पता है कि तुम एक विशेष तुनतुनी हो? तुनतुनी ने हंसते हुए कहा, मैं एक विशेष तुनतुनी हूँ क्योंकि मैं हमेशा खुश रहती हूँ और अपने साथी के साथ सदैव मित्रता बनाए रखती हूँ। राजू ने इस सीख को अपने जीवन में अपनाया और उसने देखा कि खुशी और मित्रता से जीवन में कितना मजा आता है। वह ने अपने दोस्तों के साथ भी तुनतुनी की तरह सहजता और समझदारी के साथ रहना शुरू किया। इस तरह राजू ने अपने जीवन को और भी सुंदर बना लिया और वह अब अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता हुआ देखा गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि राजू ने तुनतुनी की मित्रता से सीखा कि सच्ची खुशी और समृद्धि में अच्छे रिश्तों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर गांव में एक छोटी सी तुनतुनी चिड़िया रहती थी। उसका रंग आसमान के बादलों की तरह नीला था और उसकी गाने की मिठास से पूरा गांव बहुत प्रभावित था। उसका नाम था तुनतुनी क्योंकि उसकी चीची की आवाज सुनने वालों को लगता था कि वह तुनतुन कर रही है। तुनतुनी बहुत ही उत्साही और खुशमिजाज थी। वह हमेशा अपने पंखों से आसमान में उड़ती और गाती रहती थी। उसकी गाने की मिठास से लोग बहुत प्रभावित होते थे और उसे सुनकर सभी कहते थे, तुनतुनी, तुम्हारी आवाज हमें सुकून पहुंचाती है। एक दिन तुनतुनी ने अपने दोस्तों से मिलकर एक नए दोस्त की तलाश में निकली। उसने एक सुंदर कुआं देखा जो एक कोने में खोया हुआ था। तुनतुनी ने कहा, नमस्ते, मैं तुनतुनी हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? कुआं ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, मैं कुआं हूँ और मेरा नाम नीला है। मुझे तुम्हारी गाने की मिठास बहुत पसंद है। तुनतुनी और कुआं की दोस्ती बहुत तेजी से बढ़ी। वे दोनों हमेशा मिलकर मस्ती करते और एक दूसरे के साथ अच्छे दिन बिताते। एक दिन गांव में बारिश हुई और कुआं भरा हुआ रहा, लेकिन तुनतुनी को लगा कि कुआं अकेला है और उसे अकेले ही बोरी भर लेनी चाहिए। उसने देखा कि कुआं की बोरी बहुत ही सुस्त है। तुनतुनी ने तब कहा, कुआं, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी बोरी को भरकर तुम्हें मदद कर सकती हूँ। कुआ ने हंसते हुए धन्यवाद कहा और तुनतुनी ने बोरी भर दी। इसके बाद दोनों ने
Thank you.